अगेन विद अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मेरे पास है XUV 500 W6 वेरिएंट जो कि 2017 मॉडल है। तो गाइस आज मैं आपके साथ इस गाड़ी के बारे में बहुत न्यू थिंग्स शेयर करने वाला जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। 4 साल के लगभग इस गाड़ी को होने वाले हैं और अभी तक इस गाड़ी में क्या मुझे अच्छी चीज़ लगी और क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे बेकार लगी है, सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहने, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी ज़्यादा मिथ्स भी लोगों ने इसके बारे में बनाया है कि XUV गाड़ी है तो ज़्यादा बहुत इसके मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। अब भाई गाड़ी तुम ले रहे हो, बड़ी गाड़ी है तो जाहिर सा थोड़ा सा पैसा तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सोचो कि ज़्यादा ही हैवी मेंटेनेंस है। सब चीज़ नॉर्मल होता है, एक मिडिल क्लास भी बंदा इसे आराम से अफोर्ड कर सकता है। साल में एक बार सर्विस होती है। आप गाड़ी किस तरह से चला रहे हो, रफ एंड टफ चलाओगे तो जाहिर सा ज़्यादा खर्चा आएगा। मैं कुछ इसके पॉजिटिविटी के बारे में बात करूँगा, कुछ इसके नेगेटिविटी के बारे में बात करूँगा। तो पॉजिटिविटी के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये गाड़ी चल चुकी है अभी 42,000 किलोमीटर्स 3-3.5 साल में, ठीक है। अब कैसा इसका रिव्यू है 43,000 किलोमीटर चलने के बाद, अगर बाई चांस मैं इस गाड़ी को सेकेंड हैंड बेचता हूँ तो जो इसका जो सेकेंड ओनर बनेगा वो कैसा फील करेगा या उसको कैसी गाड़ी मिलेगी। एक्चुअल में जो बंदा गाड़ी बेचता है वो किसी रीज़न से बेचता है, गाड़ी में कुछ खराबी होगी या गाड़ी खर्चा मांग रही तभी गाड़ी बेचता है, वरना ऐसे कोई बंदा गाड़ी नहीं बेचेगा। करेंगे इसके एक्सटीरियर कंडीशंस की, तो 2015 से खैर ये वाले DRLs जो आए ये वाले आने लगे थे, लेकिन मैं अभी से आपको दिखाता हूँ। तो ये DRLs अच्छा लुक दे रहे थे काफ़ी से गाड़ी में पहले से, और ये भी सेम W6 वेरिएंट माने लगा था DRLs वाले। इसमें नीचे फॉग लैंप्स नहीं आते थे, DRLs और नॉर्मल हैलोजन लैंप्स है इसके अंदर, और फॉग लैंप्स का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता मैं आपको बताऊँ। और साइड से भी ये बेस मॉडल है तो उसमें व्हील कवर प्लास्टिक वाला ही है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जो ORV मिरर्स में लाइट आने लगी, और थोड़ा सा गाड़ी का कलर जो है फेड होने लगा है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को लग रहा होगा कि गाड़ी पेंटेड है, कि ये कलर डिफरेंट है, थोड़ा ये कलर डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। गाड़ी पेंटेड कहीं से भी नहीं, एक्सीडेंटल कहीं नहीं है, थोड़ी बहुत ठुकी है रेचिसन थोड़े बहुत नीचे करके। बैक प्रोफाइल से भी आपने देखा अभी गाड़ी की ये टेल लाइट्स और DRLs से चल रही है, मैं लाइट ऑन करके आया हूँ, देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4 सेंसर्स भी लगे हुए हैं। पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, ये XUV गाड़ी है, अगर आप इसे सेकेंड हैंड लेना चाहते हो तो बेशक लो। टाटा की गाड़ियों से, जो टाटा की 2015 या 2017 में गाड़ी आती थी सफारी है सब, उनसे तो बहुत बढ़िया गाड़ी है महिंद्रा की XUV 500 W6 वेरिएंट। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें फीचर्स इतने सारे हैं, उस टाइम पे टाटा की इतनी अच्छी गाड़ी नहीं आती थी। ये हैरियर सफारी जो नए मॉडल्स आए हैं इन सब अभी लॉन्च हुए हैरियर वगैरह के, ज़्यादा बिकने लगी हैं, लेकिन अभी भी ये मोस्ट डिमांडिंग कार है XUV 500 W7 के वेरियंट हैं W6, W7 या W8। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप इसे लॉन्ग ड्राइव पर भी लेके चलते हो तो लॉन्ग ड्राइव आपको कंफर्ट इसका जरूर मिलेगा, ऐसे ही बात नहीं है कि आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। अगर बात करूँ थोड़ा सा जो लंबे लोग हैं उनकी जो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि पगड़ी पहनते हैं पंजाबी लोग तो उनका जरूर हेड ऊपर लग सकता है, और जो 6 फुट से ऊपर है उनका भी जरूर हेड ऊपर लग सकता है, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट इसमें मिलता है, आप उसे नीचे कर लो, ठीक है। ये भी मीडियम पे मैंने सीट कर रखी है। तो जी जिसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाते हैं। गाड़ी की कब सर्विस होनी है वो सारा पॉइंट भी आपको इसमें दिख जाता है। पुरानी हो चुकी है तो उसमें सम ऑफ द फीचर्स ऐसे करके वार्निंग आती है कि नहीं वर्क कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो ये FM चल रहा है और ये पूरा स्क्रीन टच है। इसमें मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसमें रेडियो चला सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट करना सकते हो। महिंद्रा की गाड़ी है, अभी तक कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम इसमें आई नहीं है, ठीक है। और मेजर प्रॉब्लम इन द सेंस कि मतलब जहाँ इसने लंबा खर्चा मांगा वो थोड़ा या इसके सस्पेंशन में प्रॉब्लम हो, जैसी एज इट इज आई है वैसी की वैसी चल रही है। इनफैक्ट टायर्स भी अभी तक इसके सेम वैसे ही हैं, 42,000 किलोमीटर चल गई है। 100 cc का इसका इंजन है। एवरेज की अगर बात करूँ तो एवरेज भी देखो XUV के हिसाब से ठीक एवरेज दे रही है। सिटी में मेरे को 10 का एवरेज देती है, हाईवे पे खींचूँ अगर मैं आराम से तो 13-14 तक का मुझे एवरेज देती है आराम। 1-सीटर गाड़ी अपनी फैमिली भी लेके जाओगे, सारी XUV ऐसी एवरेज देती हैं, एवरेज बेटर है। टाटा की गाड़ी भी मेरे ख्याल से इतना एवरेज देंगे, लेकिन मुझे अगर बोला जाए कि टाटा की गाड़ी से और इसमें से एक चूज करो तो मैं महिंद्रा को चूज करूंगा। अब ज्यादा अच्छी आने लगी है, जैसे जो हैरियर आगे सफारी आगे जो नए मॉडल्स आए वो ज्यादा अच्छे आने लगे। बात करूं तो पहले की मैं XUV को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, शायद मेरे कहते से जो भी कहते हैं। अच्छा, ये तो ये काफी छोटा है ऐसा मैंने सुना था, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब देखो पूरा पीछे का विंडशील्ड पूरा दिख रहा है आपको, सेंसर दिए हुए बैक कैमरा के। जैसे मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा ना, देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, अब मैं रिवर्स कैमरा लगाऊंगा तो ये सेंसर्स आ जाते हैं इसमें, है ना। तो सेंसर्स तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता कि सेंसर से बढ़िया रहता 2017 में कैमरा निकाल देते एक। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे रियर व्यू वाला वो पीछे बैक कैमरा होता है, हाँ, वो लगना चाहिए कैमरा दिखा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी XUV चला रहे हो आप, अगर घर के नीचे से भी निकालते हो या गलियों में निकालते हो, छोटे छोटे बच्चे पीछे आ जाते हैं करेगा। लेकिन अब हमें तो ये लगता है भाई घर के आसपास बहुत सारी चीजें बहुत गिच पिच होती है, तो चीजें पास होती तो हमें तो 20 पैसे लगे, लेकिन छोटा बच्चा वो नहीं जा सकता, इसलिए कैमरे की नीड जरूरी थी इसमें। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर एक छोटू सा आदमी बोलो, अगर आप गाड़ी आप भी चलाओगे यहाँ से बैठोगे तो पूरा बोनट इजीली दिख रहा है आपको। मेरा मतलब ज्यादा ही बड़ा बोनट दिखता है, मतलब मुझे आप कहो जैसे थार का बोनट दिखता है ना पूरा इतना चौड़ा, वैसे इसका बोनट देखो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक लेंथ मुझे दिख रही है।
जबकि एक्चुअल में बहुत आगे है ये। हाँ बुलेट बहुत आगे है और फिर भी मतलब इतनी इजीली बंदा गाड़ी रोक लेगा अगर वो बंदा इस एक्सयूवी को चलाएगा। अब सीधी सी बात है बोनट इतना दिख रहा तो सीधा पता लग रहा है भाई गाड़ी अब चिपकने वाली नहीं चिपकने वाली। आज तक टचवुड कहीं लगी नहीं गाड़ी, एक गली में लग गई थी एक बारी बस वो उस साइड का क्योंकि काफी कम जगह थी उधर स्क्रैच आया हुआ है, बाकी बोनट इतना चौड़ा है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक और चीज, जैसे आप इसे कह रहे हैं कि 42,000 चल चुकी है तो फिर जो इसके गियर सिस्टम है और जो मतलब हम एक्सेलरेट दबाते हैं तो वो अभी इतने स्मूथ तो काम नहीं कर रहा होगा जाता मेरे को लग रहा है। देखिए वो सब नेगेटिव पॉइंट्स में आता है और ये चीजें ऐसी समय के साथ बदलती रहती है ना, पॉजिटिविटी है तो जाहिर सी बात उसमें थोड़ी नेगेटिविटी भी होगी। सब कुछ तो नहीं मिल नहीं सकता ऑफकोर्स है ना। हाँ और प्लस ऊपर से रनिंग, अब ये मेरे भैया भी चलाते हैं, मेरी फैमिली में 2-3 लोग इस गाड़ी को चलाते हैं तो सिंगल हैंडेड तो है नहीं तो कि सबका अलग स्टाइल होगा चलाने का जाएगी। हाँ दिक्कत तो आएगी। देखो अब इसका मुझे सबसे मेजर इशू जो लग रहा है इसका क्लच का प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए क्या है, पहले जो शुरुआत में था क्लच बहुत स्मूथ था इसका, अब ये मतलब क्लच ऐसे दबाते हैं तो ये झटका सा मारेगा पैर में, देखना इतना छोड़ेंगे मतलब यहाँ तक आधा क्लच छोड़ोगे तो स्मूथ है और थोड़ा सा आधा छोड़ोगे एकदम से ऐसे छूट जाएगा, मतलब झटका मारेगा तुम्हारे पैर को। अच्छा अच्छा पता है 2100 cc का इंजन है तो ये थोड़ा सा कैबिन नॉइस आती है अंदर, ऐसी बात नहीं जो लोग बोलते कैबिन नॉइस नहीं आती, आती है थोड़ा सा एस्केलेट करोगे तो अंदर तक नॉइस आती थोड़ी सी, मैं किसी को नहीं पता लग पाएगा, लोग वीडियो तो बना देते हैं यूट्यूब पे लेकिन मेरे को नहीं पता कैसे पता लग जाता है, शायद अच्छा माइक होता होगा उनका, लेकिन कैबिन नॉइस तो उसी को फील होगा जो बंदा अंदर एस्केलेट कर रहा है, क्योंकि कैबिन नॉइस तभी पता लग पाएगी जिस हिसाब से एस्केलेट कर रहे हो। भाई अब पहले गियर पे बंदा क्लच आधा दाब रखा है और रेस दे रहा है पूरी, अब कैबिन नॉइस तो आएगी, वो तो इस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, उस तरह से अगर कैबिन नॉइस की बात करें तो माइनर सी हम कह सकते हैं आएगी लेकिन वो चलेगा इतना तो। अच्छा चाहता था कि जैसे मेंटेनेंस होती है वो लगभग हम क्या 6 महीने में कराते हैं 3 महीने में, आप कब कराते थे मतलब? देखिए इस गाड़ी में ऐसा है, इस गाड़ी में हरी गाड़ी में होता है साल में एक बार मेंटेनेंस होती है गाड़ी की। हाँ वो तो बड़ी होगी ना शायद की छोटी वाली नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको एक माइनर होगी एक मेजर होगी, ठीक है तो मेजर में तो बहुत सारे पार्ट्स चेंज हो जाते हैं इसके, लेकिन मैंने सर्विस करवाई नहीं, सब भैया को पता है सर्विस के बारे में। अच्छा। लेकिन मैं एवरेज बताऊं तो अगर सर्विस का 1000 के अंदर 8-10 हजार रुपए के आसपास में एक बार अगर आप देते हो 10 हजार रुपए एक एक्सयूवी गाड़ी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत चीज है, वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही मानूंगा, क्योंकि हाथी पालने वाली बात है भाई, आप बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो उसका खर्चा भी बड़ा होगा। कि जैसे इसका कूलिंग का होता है मेन, ठीक है जैसे अगर आप इसको कूल कर रहे हैं आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो साइड में जो आपका स्टीयरिंग के पास वेंट है आपका एयर वेंट एसी वेंट तो वो सीधा फेस में नहीं पड़ता, मतलब आपको कूल कम मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, आप आगे बैठोगे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हाँ एसी वेंट से रिलेटेड इसकी एक दिक्कत है, जैसे कभी हम लंबे टूर पर जा रहे हैं अब मैं पीछे बैठ जाऊंगा बिल्कुल तो शुरुआत में तो बंदे को ऐसे इरिटेशन सी हो जाएगी, गर्मी के दिन स्पेशली अगर बात करूं तो गर्मी के दिन तो ऐसी इरिटेशन हो जाएगी बंदे को, पीछे कूलिंग का दिक्कत है थोड़ा। अच्छा, पीछे बिल्कुल बैठेगा ना क्योंकि वहां पे एक एसी वेंट कोने में इधर है एक एसी वेंट इधर है। अच्छा बीच वाले को कुछ? हाँ बीच वाले में भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पीछे जब 7 लोग भर जाएंगे गाड़ी के अंदर तो उसके बाद पीछे वाले बंदे को एसी की दिक्कत रहेगी, वो यार गर्मी में थोड़ा सा रहेगा, जब तक गाड़ी कम से कम लंबी ना चल जाए 5-6 किलोमीटर ना चल जाए वो परेशानी रहेगा तब तक। अच्छा हाँ गर्मी के टाइम में। और आगे की बात करो तो आगे तो भाई साहब एकदम झक्कास है, कूलिंग एकदम ठंडा क्योंकि आगे है ना, सबसे पहले कितना भी एसी वेंट कैसे कर लो आगे ठंडा रहेगा। आप देखिए कंफर्ट की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे भाई बंदे ने 80 किलोमीटर गाड़ी चला ली तो कंफर्ट आएगा, अब देखिए मैंने अपनी सीट पूरी पीछे कर रखी है, अब मुझे पता मुझे हाईवे पे चलना है तो मैं ऐसे करके चलूंगा। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी है, ये रहा क्रूज कंट्रोल, ठीक है ये क्रूज कंट्रोल ऑन ऑप्शन है, इसे ऑन करके चल दो, अपनी सीट ऐसे पीछे करके लेटा दो, पैर एस्केलेटर और ब्रेक से हटा लो। अच्छा हाँ। तो 80 पे सेट कर ली गाड़ी को तो आप गाड़ी को फिर से 80 पे चलती रहेगी, मतलब पैर हम हटा सकते हैं, पैर हटा लो, क्लच से भी, क्लच से भी हटा लो, ब्रेक पे से भी हटा लो, एस्केलेटर पे से भी हटा लो, मतलब पैर आलती बालती मार के कर सकते हो। हाँ। सीधा एक्सप्रेस वे जैसा, सीधे एक्सप्रेस वे सीधा, आपके पास स्टीयरिंग जैसे गेम खेलते हो ना गेम, आपको जैसी गेम की तरह अपना स्टीयरिंग संभाला, और हाईवे पे तो खुला रोड होता है लेट के तो मुझे इसमें कंफर्ट मिलता है। अब ऐसे बैठ जाओगे, अभी देखो पूरी सीट, अब मैं ऐसे कर लूंगा सीट को, फिर आप मुझसे पूछोगे कंफर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ नहीं मिल रहा, कैसे मिल जाएगा जब सीट पूरी चढ़ा लोगे। अब मेरे को मालूम है भैया मेरे को हाईवे पे चलना है, और अगर हम कंफर्ट की बात करें तो अपने हाईवे पे बात करते हैं, आम रेस इस गाड़ी में दिया हुआ है, इसको अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर लो, सीट अपनी पीछे कर लो, तो कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट एकदम परफेक्ट है इस गाड़ी का। अच्छा एक आखिरी सवाल, क्या इस प्राइस रेंज में, जैसे प्राइस रेंज जो भी होगा तो उसमें कोई और गाड़ी ऐसी है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग्जरी फीचर दे रही होगी, ऐसा कुछ है कंपेटिवली, मतलब जैसे इसी मॉडल के, ऐसा नहीं कि जो आप अगर टाटा उसकी बात करेंगे नए मॉडल उसके नहीं, जो पुराने हैं
पुराने में देखो, मैं तो पहले बताया मेरे को महिंद्रा की गाड़ी पसंद है, तो मैं महिंद्रा के अलावा किसी और को कोई राय दूंगा भी नहीं कि वो गाड़ी ज्यादा अच्छी है। हाँ देखा मैंने, आप काफी महिंद्रा की वीडियो बनाते हैं, महिंद्रा थार बनाए थे आपने, एक और महिंद्रा की, एक और एसयूवी शायद। थार का मैं कह सकता हूँ थोड़ी कंफर्ट नहीं है उस गाड़ी में, थार कंफर्ट के लिए बनी नहीं ना शायद। हाँ, वो ऑफरोडिंग के लिए बनी, तो ऑफरोडिंग करो उससे, लेकिन ये गाड़ी कंफर्ट है इसमें तो। अच्छा अच्छा, इसकी टॉप मॉडल जो है अभी वो और बढ़िया है, सनरूफ भी है, बहुत सारी चीजें अलग अलग। अच्छा, इसके इसमें सनरूफ भी है टॉप मॉडल में? टॉप मॉडल में। अच्छा, W10 से ऊपर के मॉडल्स में सनरूफ है। अच्छा, इसे सेकंड हैंड लेना चाहे मान लो, ठीक है, तो क्या आप उसे मतलब कहेंगे कि हाँ जब ये जाओ चले जाओ कूद जाओ या फिर नहीं? और क्या यार, सेकंड हैंड गाड़ी होगी, एक्सयूवी मिल रही किसी को अच्छे रेट्स में, तो डेफिनेटली मैं क्या हर कोई बोलेगा भाई ले लो। अच्छा, क्योंकि इस गाड़ी को सेकंड हैंड लेने का फायदा, एक तो महिंद्रा का ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई बाहर की गाड़ी भी नहीं है, इंडियन गाड़ी अपनी, फीचर्स की सॉरी पार्ट्स की दिक्कत भी नहीं है, मिल जाएंगे आराम से। मारुति ऐसा समझो उसको बस तुम आप। अच्छा, और तो हाँ मारुति ऐसा समझो, बिल्कुल कोई पार्ट्स की टेंशन मत लो। और गाड़ी तो देखो उसी की बात है जिससे तुम ले रहे हो, तुम्हारा भरोसे का बंदा हो, क्योंकि एक बार इंजन का काम भी अगर हो रखा हो तो गाड़ी तो उसमें महिंद्रा का कोई भी कुछ नहीं कर लेगा। सेकंड हैंड में अगर बंदा जा रहा है तो 2015 से 17 के बीच का मॉडल अगर किसी को 7 लाख तक का मिल रहा है, 5 से 7 लाख के बीच में, तो ले लो। अच्छा, हाँ जी, 15 मॉडल भी अगर मिल रहा है 5 लाख का या 5.5 लाख का, 7 लाख के अंदर अंदर मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि गाड़ी ऐसी है खर्चा नहीं मांगती बिल्कुल भी। सर्विस की बात अगर हटा दूं कि भाई एक प्लस उसकी मजबूती ऐसी है कहीं लग भी जाती है। अब देखो मैंने बताया मैंने डेंट लगा हुआ था, अभी उतर के दिखाना, गाड़ी लगी थी तेज से लेकिन मेरा कुछ इतना नुकसान नहीं है, स्क्रैच आया हुआ है, डेंट आया हुआ है लंबा सा, वो मैंने ठीक नहीं कराया अभी तक, कोई जरूरत रबिंग वगैरह कुछ कराई नहीं, कोई जरूरत पड़ी नहीं उसकी, तो कुछ कह नहीं सकता। अभी मेरी 42,000 चली है और अभी तक का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। डिग्गी का दिक्कत है, मतलब स्पेस कम है क्योंकि 7 सीटर है, लेकिन अगर उसको बढ़ा सकते हो, उस 7 सीटर जो पीछे की सीट है उसको फोल्ड कर सकते हो तो स्पेस बड़ा हो जाएगा, उसमें पूरा गेहूं लाद के ला सकते हो गाँव से अपने। थोड़ा सा ना स्टीयरिंग मुझे टाइट लगता है। अच्छा, हाँ तो इस वाले मॉडल का, मैंने नई वाली एक्सयूवी भी चलाई है उसका इतना स्टीयरिंग टाइट नहीं, लेकिन इस वाले का स्टीयरिंग टाइट है, ये शायद पुरानी हो गई इस वजह से, और इसका गियर नॉब भी थोड़ा टाइट है। अच्छा, मतलब स्मूथ नहीं है। मैंने देखो बहुत सी गाड़ी चलाई है, देखी मैंने वीडियो बहुत सारी, हाँ, लेकिन कंपैरिजन बताऊं तो शायद बड़ी गाड़ी है इस वजह से इसका ये रीजन है। और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूं आपको, देखो इधर इसमें क्या है, ये गाड़ी जब चलती है ना, अब मंदे मंदे चल रही है, देखो लाइट्स ऑफ हो गई, इधर रोड पे दिखाओ लाइट्स ऑफ हो गई। हाँ, अब मैं ही काटूंगा, देखो लाइट्स ऑन हो जाएगी, हो गई। हाँ, अच्छा अपने आप हो रही है, ये अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है, बहुत अच्छा फीचर है महिंद्रा का। स्टीयरिंग काटूंगा तुरंत बत्ती जल जाएगी। देखो बिल्कुल, ये तो चलाने में ये आसान होगी कि थोड़ा डिफिकल्ट करेगी, मतलब नए बंदा तो नहीं चला पाएगा। नहीं चला पाएगा क्यों? क्यों क्यों क्यों? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों? नए बंदे का बड़ी दिक्कत होगी चलाने, दिक्कत होगी ठुकने की, दिक्कत होगी, वो लगा देगा कहीं ना कहीं, आगे लगा देगा पीछे लगा देगा। जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे थे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, सुपर फैंटास्टिक, सुपर रिलायबल एंड एडवेंचरस भी कह लो। अच्छा अच्छा, क्योंकि ऑफ रोडिंग बड़ी जबरदस्त होती है। अब देखना बारिश पड़ेगी अभी, मैं बगल में सब गाड़ी लगा के साइड में ऐसे ऐसे करेंगे गड्ढे बचा के, और हम बीच से निकाल के चलते हैं सबके, पानी ऐसे छपकता हुआ। ऑफ रोडिंग बढ़िया है इस गाड़ी से, मैंने करी नहीं है, और फिर जब मैंने चलाई जो एक्सपीरियंस भी करी तो मैंने आपको बता दी। छोटे 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 डाउट्स रहते हैं कि लेनी है नहीं लेनी है, सेकंड हैंड जाए नहीं जाए, वो सब क्लियर हो जाए। मेरा ओपिनियन मानो तो एक्सयूवी कार के लिए नहीं जाना चाहिए, एक्सयूवी ले रहे तो नहीं लो, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग ही बोला था और वीडियो के एंड में ही बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा अपनी चीज तभी देखता है जब वो चीज उसे खलने लगती है, उसे कोई परेशानी देती है, दिक्कत होती है, दिक्कत देने लग जाएगी, भेज देंगे। फिर भी अगर कोई जानने वाला मिल रहा है, कोई रिलेटिव मिल रहा है जो गाड़ी दे रहा हो, तो बेशक ले लो, तो के बंदे अगर गाड़ी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। गाड़ी इतनी बार ज्यादा कोई एक्सपेंसिव है नहीं कि इसे झेल नहीं पाओगे, आराम से सर्विस करवा लोगे, हैवी मेंटेनेंस भी इसका नहीं है, आराम से गाड़ी झेलोगे, दिक्कत नहीं है, लोकल मंगाओगे और सस्ती पड़ जाएगी। और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए भैया जिसके पास जो एक्सयूवी है कैसा है, उसके पास रिस्पॉन्स है। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यार। लवर हूँ इसलिए मुझे एक्सयूवी गाड़ी पसंद है, एक्सयूवी लवर है सबके सब, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आप लोगों को मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।